इतने वर्षों में तो आप कभी इतने आतुर नहीं थे हमसे मिलने के लिए। पार्वती। अश्रु? अभी अश्रु क्यों स्वामी? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने हमारे पुत्र पर निशाना साधा था? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से उस पर आघात किया था? उसके पश्चात आपके नेत्रों से बहते हुए नशरों का कोई मूल्य नहीं है स्वामी। विनायक मेरा भी पुत्र था। आपका भी पुत्र था तो क्या एक क्षण के लिए भी आपके हाथ नहीं कांपे? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि कितना कष्ट होगा हमारे पुत्र को? क्यों स्वामी क्यों? क्या आप रुष्ट थे हमसे? क्या आप हमारे पुत्र से क्रोधित थे कि उसने आपको हमसे मिलने नहीं दिया? इतने वर्षों में तो आप कभी इतने आतुर नहीं थे हमसे मिलने के लिए, तो कुछ क्षणों के विलंब ने आपको इतना उग्र क्यों बना दिया स्वामी? आप तो सदैव न्याय करते हैं ना, तो न्याय की ये कैसी परिभाषा प्रस्तुत की है आपने? किस पाप का दंड दिया आपने हमारे पुत्र को? वो तो केवल हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहा था, हमें दिया हुआ वचन निभा रहा था। इसमें कौन सा पाप कर दिया उसने स्वामी? पुनः जीवित करिए हमारे पुत्र को अभी इसी क्षण। पार्वती ये संभव नहीं।